मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय दृश्य कला संकाय से तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। जैसा कि इस समय संपूर्ण भारत कोरोना वायरस से पीड़ित है, ऐसे में हम कलाकार अपने घरों पर रह करके इन 21 दिनों में खुद को और दूसरों को कैसे जागरूक कर सकते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, एक माँ और एक बच्चा है जो कि कोरोना पीड़ित है और मास्क लगाए हुए हैं। दूसरे पेंटिंग में मैंने खुद का सभी चित्र किया हुआ है और अपने आप को पिंजरे में कैद किया है और पक्षियों को आजाद दिखाया है। ऊपर मैंने कोरोना वायरस का कंप्लीट ट्रांसमिशन दिखाया है कि कैसे ये एक दूसरे में फैलता है। तीसरे पेंटिंग में मैंने ये दिखाने की कोशिश किया है कि आर्मी ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, हमारी गवर्नमेंट, क्लीनर्स, मीडिया, प्रेस रिपोर्टर्स, सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने घर पे रहना है और उनका सहयोग करना है, तभी हम इस वायरस को कंप्लीट लॉक कर सकते हैं। चौथे पेंटिंग में मैंने सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बात किया है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी का भी यही कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग करिए, यही एक रास्ता है जिससे हम खुद को और दूसरों को बचा सकते हैं। तो आइए हम और आप मिलकर ये प्रण लेते हैं कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे और अपने देश को बचाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आकाश केसरी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ललित कला विभाग गंगापुर का छात्र। लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए मैं अपने घर पर रहा और अब इसी दरमियान मैंने एक रंगोली बनाई, जिसमें मैंने ये दर्शाने की कोशिश की कि इस वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने और इसे हराने के लिए हम सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए लॉकडाउन के नियमों का पालन करना चाहिए और अपने अपने घरों में बने रहें। प्लीज स्टे एट होम, बी सेफ। थैंक यू। मेरा नाम शालिनी सिंह है, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय दृश्य कला संकाय की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की जो महामारी पूरे विश्व में फैल चुकी है और ये काफी तबाही भी कर चुकी है। इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, चाइना जैसे बड़े देश, पावरफुल कंट्रीज की हालत इस महामारी की वजह से काफी बिगड़ चुकी है। और हमारे इंडिया के पास तो सुविधाएं कम और पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हमें इसके सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करना चाहिए जो हमारी गवर्नमेंट और पुलिस डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं। तो हमें ये चीज अपने से करना चाहिए कि हम किस तरह से स्वस्थ रहें, सेफ रहें। तो इसमें बार बार ये टैगलाइन चल रहा है कि घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, बाहर मत निकलिए, तो हमें इन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है अपनी पेंटिंग्स द्वारा, मैंने पेंटिंग्स बनाई है कोरोना वायरस को लेकर के। इन 21 दिनों के लॉकडाउन के तहत मैंने अपने समय को इस तरह से बिताया है और मैं अपनी पेंटिंग्स सोशल मीडिया पे भी अपडेट कर रही हूँ। लगातार लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि लोग घर में ही रहें और स्वस्थ रहें।